यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने एक और जबरदस्त झटका दिया है। अखिलेश ने बीजेपी में सेधमारी कर बड़ी गलती कर दी थी, यह एहसास बीजेपी हर दिन समाजवादी पार्टी को दिला रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने साथ लाकर अखिलेश ने सोचा होगा कि उन्होंने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है, लेकिन बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी में ऐसी तोड़फोड़ मचाई कि अखिलेश को जवाब देते नहीं बन रहा है। बीजेपी ने सीधे यादव परिवार में ही सेध लगा दी, साथ ही हर दिन समाजवादी पार्टी के कोई न कोई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब अखिलेश यादव का साथ लालपुर विधानसभा सीट से विधायक सुभाष राय ने छोड़ दिया है। सुभाष राय बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ये अखिलेश के लिए बड़ा झटका है। हाल के दिनों में अखिलेश यादव के नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। पिछले दिनों मुलायम सिंह यादव की बहू, मुलायम सिंह यादव के संबंधी, मुलायम सिंह यादव के साड़ू समेत तमाम लोग चुनाव में इस बार कमल थाम लिए हैं। वहीं बीजेपी में शामिल होते ही सुभाष राय ने मोदी और योगी आदित्यनाथ का गुणगान शुरू कर दिया है। उधर सपा को और झटका लगे उससे पहले अखिलेश यादव ने अपने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही अखिलेश यादव की सीट भी फाइनल हो गई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने करहल को अपनी कर्मभूमि बनाने का फैसला किया है। वहीं हाल के दिनों में चर्चा में बने रामपुर सीट से एक बार फिर जेल में बंद आजम खां को अखिलेश यादव ने टिकट थमाया है। इसके अलावा स्वार विधानसभा सीट से आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को सपा ने टिकट दिया है। हालांकि आजम खां अभी जेल में बंद हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर बाहर आने की इजाजत मांगी है। वहीं सपा के लिस्ट आने के साथ ही अब कई नेताओं ने नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि सपा के और नेता पार्टी छोड़ बीजेपी में भागते इससे पहले अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर मैदान में उतार दिया है। लेकिन फिलहाल सपा में जो भगदड़ मची हुई है वो इससे रुकेगी या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त बीजेपी अखिलेश को झटके पर झटका दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।